पेपर लीक मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है और वहीं कानून में कड़े बदलाव भी किए गए हैं। अब पेपर लीक करने या कराने वालों के खिलाफ 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है, जिसके साथ ही आपको बता दें उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब आगामी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी कोई समस्या जो है, परेशानी जो है वो सामने नहीं आएगी। पेपर लीक मामले को लेकर के सरकार भी अब कहीं ना कहीं सख्त हो गई है, इसको लेकर के कड़े कानून भी बना दिए गए। आपको बता दें कि लगभग 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा है, वहीं साथ ही साथ 1 करोड़ तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि पेपर लीक जैसे मामले कहीं ना कहीं अब कम होंगे। इस वक्त हम एक लाइब्रेरी में हैं, राजधानी लखनऊ का निगोहा का इलाका है। यहाँ पर तमाम बच्चे तैयारियां करते हुए दिख जाएंगे, आप देख रहे हैं कि कितनी लगन से पूरी तैयारी करते हैं। वहीं पेपर लीक जैसे जब मामले आते हैं सामने तो कहीं ना कहीं इनकी इस तैयारी पर पानी जरूर फिर जाता है। बात करते हैं, जानते हैं कि अब क्या कुछ उनको लग रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रहर्ष है। और अगर जो पेपर लीक का मामला है और अगर इस कानून को देखते हैं हम, तो जो पेपर लीक का जो किस लेवल पर होता है, जहाँ पर जो लोग खुद शामिल होते हैं पेपर लीक करने वाले, तो अभी हद तक ये समझते हैं जो लोग शामिल होते हैं वो इसमें नहीं होंगे। और क्योंकि ये जो सज़ा है उसको देखते हुए पेपर लीक कुछ हद तक रुकेंगे, कम होंगे, और ऐसा तो नहीं है कि अभी पूरी तरीके से भी रुक सकते हैं। और लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि इसमें कमी आएगी बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं बेटा, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि जब आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद पेपर लीक हो गया और फिर रिजल्ट अटक गया, हुआ कभी ऐसा? यस सर, पेपर लीक हुआ है तो रिजल्ट ऑब्वियसली नहीं आएगा। और उसके बाद अभी तो हुआ आपके साथ में सर UPP का, अभी जल्दी 17 फरवरी 18 फरवरी का मेरा 17 को लगा हुआ था, उसमें भी लीक हो गया। तो अभी जब ये न्यू एग्ज़ाम डेट आई है तो अभी उसमें थोड़ा सा सेटिस्फाइड है, अभी भी डर लगता है कि कहीं फिर से ये ना हो जाए। पर अच्छा गवर्नमेंट ने किया है कि 1 लाख का जुर्माना और 1 करोड़ तक जुर्माना लगेगा अब ऐसा करने वाले लोगों पर, और 10 साल तक की सज़ा भी है। तो क्या लगता है इस कानून के बाद से कुछ कमी आएगी पेपर लीक के मामले में? हाँ सर, कमी तो आएगी, इससे थोड़ा सेटिस्फाइड हैं, बट जिनको करना होता है उनको ज़्यादा, अगर पैसा इससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो उनको तो प्रॉफिट ही होना है, उनको क्या है भी कमी आने की उम्मीद? हाँ थोड़ा बहुत है जो मेहनत है वो। यस सर बिल्कुल। और भी कुछ बच्चे हैं उनसे भी जान लेते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको क्या कुछ लग रहा है अब जो पेपर लीक जैसे मामले हैं उसको लेकर के कड़ा कानून बनाया गया है। बेटा आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, क्या नाम है आपका? संस्कार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC की। क्या लगता है पेपर लीक को लेकर के जिस तरह से सरकार ने अब कड़ा रवैया अपनाया है, अब कई 1 करोड़ तक जुर्माना 10 साल तक की सज़ा है, ऐसे में कितना कमी आएगी अब पेपर लीक के मामले में? कमी तो आएगी, लेकिन जो लोग करने वाले वो तो करेंगे नहीं, जब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी तो कहाँ करेंगे, पहले से डरेंगे नहीं? आपको लगता है कि अपनी डरेंगे तो, लेकिन जो लोग पहले से पावर में हैं कुछ तो करेंगे। बिल्कुल। जी हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे बेटा? बिल्कुल बताइए, क्या नाम है आपका? सम्रांत पाल। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर? आप CDS प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर हम कहना चाहते हैं कि किसी भी कोई भी चीज़ होती है उसकी अगर हम अन करना चाहते हैं उसकी पहले हमको जड़ से उसको अन करना होगा। तो जड़ सब पहले बच्चों, उन्होंने सरकार ने क्या किया है कि बच्चों पे थोप दिया है बेसिकली, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो अधिकारी लोग हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल पेपर का जो पासवर्ड होता है, सारा पेपर होता है, उसकी की जो होती है, उन्हीं के लिए ये कानून बना है। जो नकल माफियाएँ हैं पेपर लीक कराते हैं उन्हीं के लिए कानून बना है कि 1 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की सजा। ये सर वो तो ठीक है, इससे कमी होगी? हो, आप बताओ बेटा क्या करेंगे पेपर लीक मामले को लेकर? सर मुझे लगता है कि शायद सिस्टम में कमी आएगी और लोग डरेंगे एग्ज़ाम में मतलब इंटरफेयर करने से। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? जी मैं स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई एग्ज़ाम दिया उसका पेपर लीक हो गया हो? जी हाँ, हाल ही में अभी UP पुलिस कांस्टेबल का ही एग्ज़ाम लीक हुआ है और बिहार पुलिस का भी लीक हुआ था, तो कैंसिल हो गया। उसके लिए हमारे एफर्ट भी ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से सरकार पेपर लीक मामले को लेकर के सख्त हुई है, कड़े कानून बनाए गए हैं, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जो पेपर लीक के मामले होते थे उसमें कमी जरूर आएगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और इन्हीं खबरों के साथ